जी मुझे विटिलिगो का प्रॉब्लम है। क्या है? विटिलिगो, सफेद दाग। अच्छा, ये कष्ट नहीं है, ये असाध्य रोग है जी। ठीक है, पूरा शरीर कोई जगह बची नहीं जहाँ आपको रखो ना हो जी। अब कोई आपको बता भी नहीं सकता कि आपको है भी ये जी। ठीक है, आपको समझेगा कि इस तरह के ही हैं आप। अरे कोई, ये किसी को भी हो सकता है बेटा, ये असाध्य रोगों में आता है, भयानक असाध्य रोग है। और आत्मविश्वास बढ़ाइए, हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ भर दीजिए, उत्साह और उमंग की स्मृतियाँ भर दीजिए, सभी दुखों को नष्ट कर, गहरे से दुख सब नष्ट कीजिए। गुरुदेव को प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई हूँ। मेरे समस्या जो सब है, डीएनए में कई लोग रखे हैं सर, मेरा आपसे मिलते हैं तीन लोग। कौन कौन है तीन में? मेरे पति है, मेरे बेटा। देखिए, ये सब आपके तमाम कष्ट से। देखिए, रूमेटिक ऑर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, पैरालिसिस की स्मृतियां थी, पीलिया की स्मृतियां थी, आंखों में जलन होना, दर्द होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, भुलाने वाली स्मृतियां थी, चीजों को भूल जाना, घुटनों में दर्द, सूजन था, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, सड़न हो रही थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, रेक्टम में इन्फेक्शन, छाती में जकड़न होना, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, श्वास लेने में भारीपन महसूस होना, जकड़न होना, स्पाइन में अकड़न जकड़न होना, ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी, हार्ट का वॉल्व श्रिंक हो रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, स्पाइन में, श्वास नली में, लीवर में, ओवरी में और यूट्रस में। गुरुदेव, आपसे विनती है, मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हूँ। पता लग रहा है तुम्हारे दिमाग में पुत्र ही चल रहा है। तुम्हारी झुगा भर कष्ट खत्म हो गए, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा कष्ट है तुम्हारे पुत्र में जी। गुरुदेव, कब तक वो ठीक हो जाएगा ये मेरे को जानना है। कहाँ है तुम्हारा पुत्र? आया है जी। कहाँ है पुत्र? यहीं पर बैठा है। खड़ा करो उसे। बेटा कहाँ हो इनके पुत्र? खड़े हो जाओ जरा रेलिंग के पास। रेलिंग के पास बेटा खड़े। इस बच्चे को माइक दो। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा? मैं दीपांचल दुबे। खूब खुश हो। अब बताइए बेटा, कोई कष्ट है आपको, बचा है? जी गुरु जी, मुझे विटिलिगो का प्रॉब्लम है। क्या है? विटिलिगो, सफेद दाग। अच्छा, ये कष्ट नहीं है, ये असाध्य रोग है जी। ठीक है, पूरा शरीर कोई जगह बची नहीं जहाँ आपको रखो ना हो जी। अब कोई आपको बता भी नहीं सकता कि आपको है भी ये जी। ठीक है, आपको समझेगा कि इस तरह के ही हैं आप। अरे कोई, ये किसी को भी हो सकता है बेटा, ये असाध्य रोगों में आता है, भयानक असाध्य रोग है जी। ठीक है, और गुरु जी मुझे, मैं कष्टों के बारे में बात कर रहा हूँ शरीर की, आपको कष्ट आपको बचे जी। पुनः पूछ रहा हूँ, आपको ये आपको कष्ट बचे शरीर में जी? एक कष्ट और था, मुझे बीच में अल्कोहल एडिक्शन लग चुका था। अब आप क्या, आपके साथ पुश्ते भी नहीं पी सकती जी? आप पीने का मन कर रहा है? नहीं। तो फिर दरबार नष्ट कर दिया जी। तमाम कष्ट थे आपको, पेशाब पेशाब करने में कष्ट आते थे जी, अब वो सब नष्ट हो गए। तमाम गिनाएंगे तो 75 कष्ट हैं, सब खत्म हो गए। पेट वेट सब अच्छा हो गया, एसिडिटी गैस सब अच्छी हो गई, जो जलन खुजली होती थी आपको सफेद दाग में, ये सब खत्म हो गई, कुछ नहीं है आपको जी गुरु जी। चिलचिलाहट होती थी हैं, सब खत्म हो गया। और इसी रोग के कारण जो आत्मविश्वास में कमी बनी रहती थी जी, वो भी अब आपको नहीं है। इस कष्ट की जो आपको दिखता है सफेद दाग, इसके कारण आपको लगता था आत्महत्या भी कर लेंगे जी गुरु। आते थे विचार? हाँ। अब लग रहा है आत्महत्या कर ली? नहीं, है ना। ये तो बेटा किसी को भी हो सकता है ना, ये तो शरीर के कष्ट। हाँ, शरीर प्राकृतिक। अपने काम, अपने पहचान बनाइए, अपने काम से, अपने कार्य से पहचान बनाइए जी गुरु, है ना जी गुरु। हाँ, खूब खुश। कल महावन होगा तो उस महावन के पुण्य में आप रहेंगे। अच्छा
जी गुरु जी, खुश हो, प्रसन्न। एक मिनट आंखें बंद करो बेटा, एक मिनट खड़े हो, एक मिनट आ जाओ खड़े हो, माँ के पास आ जाओ, माँ के पास, इसको अंदर बुलाओ, मम्मी का हाथ पकड़ के खड़े हो, आंखें बंद कर ली दोनों लोग, और दोनों लोगों के अंदर से गहरे दुख की, अवसाद की, हीन भावना की स्मृतियां सब बाहर निकाल ली, बाहर निकालने से सब नष्ट करके शिव काम किया, आत्मविश्वास और बढ़ाया जाए, और आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दी जाए, उत्साह और उमंग की स्मृतियां भर दी जाए, सभी दुखों को नष्ट कर, गहरे से दुख सब नष्ट किए, और बढ़ाया जाए आत्मविश्वास, सफेद दाग को कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाना है, ये स्मृतियां भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, शिव। पांच बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, नेत्र खोल लो, आंखें खोलिए अपने बंधन की साथ, पांच बार। अब देखो अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं कमी है किसी प्रकार की? जी कॉन्फिडेंस है आचार्य, खुश रहिए, अपना काम खूब करिए जम के, ठीक है? प्रणाम गुरुजी, खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न, खुश रहिए, खूब खुश रहिए।